नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसा कि आपने यह कभी ना कभी सुना ही होगा कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँगा कि शेयर मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसा कि अगर हम किसी भी कंपनी के स्टॉक वगैरह खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए हमें एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे डीमैट अकाउंट बोला जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं, आप उन पैसे को सुरक्षित एक तिजोरी में रख देते हैं और अब आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उन पैसों को अपनी तिजोरी से निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपके पैसे हैं वो शेयर हो जाएंगे और जो तिजोरी है वो डीमैट अकाउंट हो जाएगी। यानी कि जब भी आप शेयर मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। फिर जब आप चाहें तब आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर से जो भी आपने शेयर खरीदे हैं उनको आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया है इसी का मतलब होता है डीमैट अकाउंट। यानी कि किसी भी कंपनी के अगर आप शेयर वगैरह खरीदते हैं तो जो शेयर यहाँ पर होल्ड किए जाते हैं उसे हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। क्योंकि आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो आप किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद पाएंगे और नहीं बेच पाएंगे। तो अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो डीमैट अकाउंट है वही हमारे शेयर को स्टोर करके रखता है। तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया था तिजोरी वाले उदाहरण से, तो मुझे उम्मीद है कि उस उदाहरण की मदद से आपको यह समझ आ गया होगा कि डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट में किस तरीके का क्या काम करता है और यह हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। आजकल मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आ गए हैं, जैसे कि ग्रो ऐप, ज़ीरोधा ऐप, अपस्टॉक ऐप। तो इन एप्लीकेशन की मदद से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर लेकिन डीमैट अकाउंट खुलवाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि जिस भी एप्लीकेशन की मदद से आप डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं वह एप्लीकेशन आपसे डीमैट अकाउंट खोलने पर पैसे चार्ज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो ग्रो एप्लीकेशन है, अगर आप उसमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप ज़ीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहाँ पर आपको 1x200 rupees सबमिट करने होंगे। यानी कि एक बार आपको 200 rupees देने पड़ेंगे अपने डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हों या फिर खोलने के बारे में सोच रहे हों तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा उसी एप्लीकेशन की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खोलना है जिस एप्लीकेशन में मतलब कि आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हों। मतलब कि आपका जो डीमैट अकाउंट हो वो बिल्कुल ज़ीरो पैसे में खोला जा रहा हो, आपको उसी एप्लीकेशन की मदद से अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाना है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी भी मतलब एप्लीकेशन के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो इस पर भी जो अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं वे आपसे चार्ज वगैरह लेती हैं। तो आप सबसे पहले इसको भी चेक कर लें कि कौन सी कंपनी कितना क्या चार्ज आपसे ले रही है और कितना नहीं ले रही है। जैसे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इस कंडीशन में हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, पर जब हम उन्हें बेचते हैं तो हमें डीपी चार्ज और फिर डिलीवरी चार्ज, ये दोनों चार्ज देने पड़ते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन में डिलीवरी चार्ज और डीपी चार्ज अलग अलग होता है। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं तो आपको सबसे पहले उसके डिलीवरी चार्ज और डीपी चार्ज को चेक कर लेना है। जिस एप्लीकेशन में डीपी चार्ज और डिलीवरी चार्ज सबसे कम लग रहे हों आप उस एप्लीकेशन में अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यह मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे आपको नुकसान होने से बच सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में जैसे किसी एप्लीकेशन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं और किसी भी कंपनी का स्टॉक बेच सकते हैं। इसी के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होने लग जाएंगे। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके साथ साथ आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी ओपन हो जाता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप ज़ीरोधा ऐप या फिर एंजल वन
या फिर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर बेच सकते हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आपको अभी के समय में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो डीमैट अकाउंट के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।